और अब खाजूवाला से खबर, जहां लूट के इरादे से घर में दो युवक घुस गए। बुजुर्ग महिला के गले से जेवर निकालने का प्रयास किया गया। घर के सदस्यों की नींद खुलने पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। महिला के गले और हाथ पर गंभीर चोट आई। खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 की घटना। खाजूवाला पुलिस भी मौके पर पहुंची। खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 की घटना है। बुजुर्ग महिला के गले से जेवर निकालने का प्रयास किया गया। लूट के इरादे से घर में चोर घुसे। घर के सदस्यों की नींद खुलने पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। महिला के गले और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 की घटना है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? जी मनीषा, देखिए, देर रात की घटना है। करीब 2 बजे एक वार्ड नंबर 1 की घटना है, जहां पर दो युवक है वो लूट व चोरी के इरादे से घर में घुसते हैं। और जब घर वाले जागते हैं, उनकी नींद खुलती है, तो महिला के हमला कर देते हैं। जिस प्रकार से परिजनों ने बताया है कि एक तलवार का जो ऊपर का कैप होती है वो उनके घर पे ही मिली है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये तलवार की वजह से इस महिला के गले पे हमला किया है, जिसकी वजह से गले में काफी जख्म हुए हैं, वहीं हाथ पर भी जख्म हुए हैं। ये लूट के इरादे से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये दो युवक घर में घुसे और महिला के गले में सोने के कुछ जेवरात पहने हुए, तो उन्हें उनके निकालने का प्रयास कर रहे थे, इसी के दौरान इन्हें घर वालों की नींद खुल गई, तो इनके द्वारा ये हमला कर दिया गया। फिलहाल है जो 70 वर्षीय महिला बुजुर्ग है, उसका खाजूवाला अस्पताल में उपचार है, वो जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक चोरों का, युवकों का पता नहीं लगा है, लेकिन पद चिन्हों के आधार पर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस है वो फिलहाल प्रयास कर रही है, लेकिन ये घटना है करीब रात की 2 बजे की। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।